जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर सेशन होने वाला है, लेक्चर नंबर 80B होने वाला है, सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए होने वाला है, सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए होने वाला है। रियल एनालिसिस बुक का नाम है, जो सेशन चल रहा है रियल एनालिसिस का चल रहा है, और चैप्टर का नाम है रियल नंबर, और चैप्टर नंबर 1 है, और ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए है क्लासेस, और साथ ही साथ बीटेक के लिए जिनका कोई भी ब्रांच रहे, सिविल रहे, चाहे मैकेनिकल रहे, चाहे मेटलर्जिकल रहे, कोई भी ब्रांच के लिए है, तथा साथ ही साथ बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए भी है। तो अब जरा देखिए, नोट में मैंने लिखा है, और ये जो वीडियो लेक्चर है लेक्चर नंबर 80A से ही रिलेटेड है, तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा तो समझ में आएगा। अब आइए नोट में पढ़ता हूँ, ठीक है, क्या है। 3 के नेबरहुड में 3 भी लाई करता है। पिछले वीडियो में देखा था हमने कि 3 के नेबरहुड में 3 भी लाई करता है, और 3 सेट एस में भी लाई करता है, हमने पिछले वीडियो में दिखलाया था आपको। बट अदर देन 3 मिलना चाहिए, लेकिन 3 के अलावा 3 के नेबरहुड में नंबर मिलना चाहिए, और वो नंबर क्या होना चाहिए, सेट एस में भी लाइक करना चाहिए, तभी जा करके हम कहेंगे कि 3 इज एलिमेंट पॉइंट ऑफ द सेट एस। तो 3 को नहीं लेना है, अगर आपको 3 को लिमिट पॉइंट बनाना है तो 3 को नहीं लेना है। सिंस अब 3 के नेबरहुड में 3 के अलावा 2.999 भी एग्जिस्ट कर रहा था, आपको मैं बताया था, दिखलाया था, तो 2.99 भी एग्जिस्ट करता है, और 2.99 जो है कि बिलोंग करता है 2.9, 3.9 इस 3 के नेबरहुड में बिलोंग करता है। एंड ऑल्सो ये जो 2.999 है, ये 2.99 है, ये बिलोंग करता है सेट एस में। सेट एस क्या था, तो 2 से लेकर के 5 क्लोज इंटरवल, अब पिछले वीडियो में देखिएगा यही है, यही था, ठीक है। तो 2.99 बिलोंग करता है 2 से लेकर के 5 में। तो अदर देन 3 हमको एक एलिमेंट मिल गया 3 के ही नेबरहुड में, जो कि 3 के नेबरहुड में भी एग्जिस्ट करता है, और साथ ही साथ सेट एस के नेबरहुड में भी एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से हम लोग कह पा रहे हैं कि 3 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। इसीलिए 3 के नेबरहुड में 2.99 ऐसा नंबर मिला जो सेट एस में भी है, इसीलिए 3 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस अदर देन पी इक्वल टू 3। पी के अलावा 3 के नेबरहुड में, मतलब 3 के अलावा है ना, 3 के नेबरहुड में सेट एस का एक कम से कम एक एलिमेंट मिल गया, तो हम लोग कह पाए कि 3 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। तो अदर देन पी, पी के अलावा होना चाहिए है ना, और कम से कम एक मिलना चाहिए, अधिक से अधिक कुछ भी मिले कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट, अगर सेट एस का कोई एक एलिमेंट 3 के नेबरहुड में आ जाए, अगर सेट एस का कोई भी एक एलिमेंट, सेट एस में जो भी एलिमेंट है, सेट एस में कैसा एलिमेंट है, तो 2 से लेकर के 5 है ना, क्लोज इंटरवल 2 से लेकर के 5, 2.1 है, 2.3 है, 3.1 है, बहुत सारा नंबर है ना, 5 भी है, 5 से छोटा 4.999 भी है, बहुत सारा नंबर है। तो अगर सेट एस का कोई एक एलिमेंट, सेट याद रखिए, सेट एस का कोई एक एलिमेंट किस में आना चाहिए, 3 के नेबरहुड में आ जाए, अदर देन 3, 3 के अलावा है ना। यहाँ पर मैं 3 बोल रहा हूँ, तो आप ऐसा समझिएगा नहीं कि ये 3 के लिए ही सिर्फ एग्जिस्ट है, 3 के अलावा देखिए मैंने P लिया था ना, तो P की जगह पर आप 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कुछ भी लेकर के आप इसको समझ सकते हैं, ये सबके लिए है ना, ऐसा नहीं है कि 3 ले लिया तो मैं 3 के लिए ही आप भी लीजिएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर सेट एस का कोई एक एलिमेंट 3 के नेबरहुड में आ जाए अदर देन 3, देन 3 इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, व्हेन एप्सिलॉन बराबर 1, तो नेबरहुड ऑफ 3, 3 का नेबरहुड क्या था, तो 3 माइनस एप्सिलॉन से लेकर के 3 प्लस एप्सिलॉन, तो 3 माइनस 1 और से लेकर के 3 प्लस 1 हो जाएगा, अब क्योंकि एप्सिलॉन का वैल्यू मैंने 1 मान लिया, एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड पॉजिटिव नंबर विच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, और 3 में से 1 गया तो 2, और 3 और 1 4 हो गया, 2 से लेकर के 4 एक ऊपर इंटरवल मिल गया, ठीक है, जो कि 3 को कंटेन करेगा, 3 इसी में समाया रहेगा है ना, 2 से लेकर के 4 ओपन इंटरवल में, मेरा है ना, 2 से लेकर के 4 ओपन इंटरवल में मेरा 3 जरूर लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और आप देखिए 2 से लेकर के 4 में, तो 2 से लेकर के 4 में है ना, सेट एस का 3 के अलावा 2 से लेकर के 5 में जो है कि यहाँ पर इस जगह पर क्लोज इंटरवल में इस सेट एस में, इसमें 3 लाई करता है, हाँ करता है, लेकिन 3 के अलावा, क्योंकि 3 इस सेट एस का लिमिट पॉइंट बनने खोज रहा है, तो 3 के अलावा मैं कुछ भी उठा लेता हूँ, मान लीजिए मैं उठा लिया 3.1, तो क्या 3.1 इसमें मिलेगा, हाँ भाई मिलेगा है ना, मतलब 3 के नेबरहुड में 3 के अलावा कोई दूसरा पॉइंट मिल रहा है सेट एस का, हाँ भाई मिल रहा है, तो इसी वजह से हम कहेंगे कि 3 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। तो प्रत्येक नेबरहुड में, याद रखिएगा, प्रत्येक नेबरहुड में, सिर्फ एक अकेला नहीं, प्रत्येक नेबरहुड में सेट
थ्री के अगर थ्री लिमिट पॉइंट बनना चाहता है तो थ्री के प्रत्येक नेबरहुड में सेट एस का, देखिए एक नया नेबरहुड बनाए थे, इससे पहले हमने नेबरहुड बनाया था 2.9 से लेकर के 3.1, तो सेट अगर थ्री सेट एस का लिमिट पॉइंट कहलाना चाह रहा है तो थ्री के प्रत्येक नेबरहुड में एप्सिलॉन का अलग अलग मान बदलते जाएंगे तो फिर थ्री का नेबरहुड भी अलग अलग बदलते जाएगा, तो थ्री के प्रत्येक नेबरहुड में सेट एस का कम से कम एक एलिमेंट आना चाहिए, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो भी थ्री जो है कि लिमिट पॉइंट कहलाएगा सेट एस का। तो नेबरहुड ऑफ थ्री, तो थ्री का एक और नेबरहुड ले लिए, तो ये ले लिए टू से लेकर के फोर, एक ओपन इंटरवल मिल गया और इस ओपन इंटरवल में मेरा थ्री लाई करता है, इसी वजह से थ्री इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, थ्री इज ए नेबरहुड ऑफ दिस सेट, है ना। और इस सेट में टू से लेकर के फोर ओपन इंटरवल में, ठीक है, थ्री के अलावा है ना सेट एस का एक नंबर नहीं, एक से अधिक नंबर मिल जाएगा, जैसे 3.1, 3.2 बहुत सारा नंबर मिल जाएगा, तो इसी वजह से जो है कि थ्री इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, प्रत्येक नेबरहुड होना चाहिए थ्री का, अगर सीट प्रत्येक नेबरहुड में थ्री के प्रत्येक नेबरहुड में है ना सेट एस का कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, तभी जाकर के थ्री इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ से अदर देन थ्री, थ्री के अलावा लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स इन नेबरहुड ऑफ थ्री, है ना, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत संख्या में जो है कि थ्री के नेबरहुड में लॉट्स ऑफ एलिमेंट है ना सेट एस का मिल रहा है, सो थ्री इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, सेट एस इसको पढ़ते सेट एस। अब आगे देखिए, अगर थ्री का प्रत्येक नेबरहुड में सेट एस का कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, है ना, थ्री के नेबरहुड में सेट एस का कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, अदर देन थ्री, थ्री के अलावा, देन थ्री इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, तभी हम लोग थ्री को लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस कहेंगे। अब देखिए टू से लेकर के फाइव, ये टू से लेकर के फाइव ये क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए, है ना, इसको भी कलर कर देते क्योंकि वो क्लोज इंटरवल है, तो टू से लेकर के फाइव एक सेट एस है, ठीक है, और थ्री इस सेट एस का लिमिट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि थ्री का अगर हम नेबरहुड बनाएंगे, मान लीजिए थ्री का अगर हम लोग नेबरहुड बनाते हैं तो इस नेबरहुड में है ना सेट एस का इनफाइनाइट पॉइंट, हालांकि कम से कम एक तो करेगा ही और एक से ज़्यादा भी करेगा, इसी वजह से हम लोग थ्री को क्या कह पा रहे हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना भाई, क्योंकि टू से लेकर के फाइव करें जितना बड़ा है सेट एस का, उसमें मेरा थ्री का नेबरहुड तो इतने चुकी को है, तो ये तो इसमें लाई करेगा ही, और ये ऑब्वियस सी बात है, ये सबसेट हो जाएगा सेट एस का, थ्री का नेबरहुड जो है कि सबसेट हो जाएगा सेट एस का, इसी वजह से कन्फर्म है कि थ्री के नेबरहुड में है ना सेट एस का तीन के अलावा बहुत सारा नंबर होगा, इसी वजह से थ्री इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूं वन, तो वन जो है कि सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि वन का अगर मैं नेबरहुड बनाऊंगा है ना, तो वन का अगर मैं नेबरहुड बनाता हूं, अच्छा एक बार देख लीजिए बना करके, वन का अगर नेबरहुड बनाते हैं, चलिए वन का अगर नेबरहुड बनाते हैं तो वन जरूर लाइक करेगा, वन में अगर वन घटा देंगे जीरो, वन में वन जोड़ देंगे तो टू हो जाएगा, है ना टू, चलिए मैं कुछ और ले लेता हूँ, वन में टू घटा देंगे, चलिए वन में टू घटा देंगे, घटाइए तो जरा, वन में टू घटाइए, वन में अगर टू घटाएंगे तो माइनस वन, और वन में टू जोड़ देंगे तो थ्री, हाँ भाई होगा होगा होगा, है ना, तो देखिए वन में टू घटा दिए तो माइनस वन, और वन में टू जोड़ दिए तो थ्री, तो माइनस वन से लेकर के थ्री, माइनस वन से लेकर के थ्री ये जो ओपन इंटरवल मिला है, वन इसमें बिलोंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है, और इसमें वन के अलावा सेट एस का देखिए तो इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा, देखिए ना, अब देखिए अगर वन यहाँ पर है और यहाँ पर थ्री है, ठीक है, और यहाँ पर टू जरूर होगा तब, सॉरी यहाँ पर माइनस वन है ना, हाँ, और यहाँ पर तब वन होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो सेट बना ओपन इंटरवल, ये वन इसमें कंटेन हो रहा है, वन इसमें मिल रहा है, ठीक है, अब माइनस वन से लेकर के थ्री जो ओपन इंटरवल है उसमें मेरा वन मिल रहा है, मतलब वन के नेबरहुड में है ना, वन मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि सेट एस का क्या इसमें कम से कम एक एलिमेंट मिल रहा है, हाँ भाई मिल रहा है, टू तो इस सेट एस का एलिमेंट है, सेट एस का एलिमेंट टू है और टू इसमें मिल रहा है, देखिए अच्छा टू और थ्री के बीच में 2.1 भी है सेट एस का एलिमेंट, तो इसमें भी मिल रहा है 2.1, तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट सेट एस के अंदर का भी मेंबर हो सकता है और सेट एस के बाहर का भी एलिमेंट हो सकता है, क्लियर हुआ, मतलब जो लिमिट पॉइंट है वो सेट एस के अंदर का भी हो सकता है और सेट एस के बाहर का भी एलिमेंट का अगर नेबरहुड बनाए, अगर उसके नेबरहुड में सेट एस का इनफाइनाइट पॉइंट आता है, इनफाइनाइट नहीं कम से कम एक पॉइंट आता है, तो फिर हम लोग उस पॉइंट को भी हम लोग कह देंगे लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस, समझ गए, चलिए।
यही मैं समझाने का कोशिश कर रहा था, इसलिए 1 भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जरा समझिएगा, ये जरा समझना जरूरी है, एक एग्जांपल नया है। एस बराबर 2, 3, 4, 5 है और ये सबसेट है रियल नंबर का, ऑब्वियस सी बात है, और ये फाइनाइट सेट है, याद रखिए एक फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट का कभी भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, फाइनाइट सेट का कभी भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखिएगा फाइनाइट सेट का कभी भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप कहिएगा कि फाइनाइट सेट में अगर बात करेंगे, मैं 4 ले लेता, अच्छा पहले इसको समझ लीजिए, है ना, नेबरहुड ऑफ 3 बनाइए, तो 3 माइनस एप्सिलॉन से 3 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का वैल्यू 0.1 ले लीजिए, तो नेबरहुड ऑफ 3 क्या होता है, 3 माइनस एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन का 0.1, 3 प्लस 0.1, है ना, तो मतलब 2.9 से लेकर 3.1, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हेयर 3 इज ए नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस, तो यहाँ पर 3 लिमिट पॉइंट नहीं है सेट एस का, क्यों भाई, क्योंकि 3, अच्छा 3 यहाँ पर लाई कर रहा है कि कर रहा, हाँ हाँ कर रहा है, 2.9 से लेकर के 3.1 में मेरा 3 लाई कर रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन 3 के अलावा सेट एस का कोई भी नंबर यहाँ पर लाई करेगा क्या, है ना, 3 के अलावा 3 तो यहाँ पर भी लाई कर रहा, अच्छा बात है, लेकिन 3 को तुमको पकड़ना नहीं है, क्योंकि 3 को ही लिमिट पॉइंट कहना है, तो फिर 3 को पकड़ना नहीं है, जिसको अगर आप लिमिट पॉइंट बनाना चाहते हैं किसी भी सेट का, तो उसको आपको पकड़ना नहीं है, है ना, तो यानी कि 3 इसमें नेबर, 3 का तो ये नेबरहुड है, लेकिन क्या 2.9 से लेकर के 3.1, तो यहाँ पर बहुत सारा नंबर आएगा, 2.91, 2.92, 2.3, 2.93, इस टाइप से बहुत सारा नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 भी आ जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पर सेट एस का कोई भी मेंबर मिल रहा है क्या, अच्छा 2 यहाँ पर मिलेगा क्या, 2 नहीं मिलेगा, 3 यहाँ पर मिलेगा क्या, हाँ भाई मिलेगा, मिलेगा एकदम, क्योंकि 3.1 से छोटा तो 3 होता ही है, मिलेगा, 4 मिलेगा क्या यहाँ पर, नहीं मिलेगा, ना ना, अब 5 मिलेगा क्या, तो भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब है ना 3 के अलावा सेट एस का कोई मेंबर या नंबर इस 3 के नेबरहुड में नहीं मिल रहा, इसी वजह से ये जो 3 है ना ये नल्ला हो गया, ये लिमिट पॉइंट नहीं हुआ, है ना, तो 3 जो है कि लिमिट पॉइंट इसमें तब नहीं हुआ, समझ गए होंगे। अच्छा कोई बंदा बोलेगा हमको कि सर आप ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए आप जो है कि 4 ले लीजिए, ठीक है 4 ले लीजिए, मैं उसका बात मान गया, चलो भाई 4 ले लिया, वो क्या कहना चाह रहा, देखिए 4 ले लिया और 4 का मैं एक नेबरहुड बनाता हूँ, तो 4 का नेबरहुड में मेरा 1 से लेकर के 5, हाँ भाई एकदम सही, बहुत अच्छा, बहुत तेज तर्रार लड़का है, बगल में बैठा हुआ, मान लीजिए सोच लीजिए, है ना, तो वो बोला कि 4 ले लीजिए सर, तो 4 ले लिया, तो 4 मेरा बिलोंग करेगा 1 से लेकर के 5 ओपन इंटरवल में, ऑब्वियस सी बात, ऑब्वियस सी बात, समझ रहे कि नहीं समझ रहे एकदम। अब तो 4 बिलोंग कर रहा 1 से लेकर के 5 में, तो 1 से लेकर के 5 ओपन इंटरवल में क्या मेरा 3 मिल रहा है, मतलब 4 के अलावा, 4 के अलावा अगर 4 इस सेट एस का लिमिट पॉइंट कहलाना चाह रहा है, तो 4 के अलावा सेट एस का कम से कम एक नंबर मिलना चाहिए, तो देखिए 4 मिल रहा है यहाँ पर, हाँ 4 मिल रहा है, लेकिन 4 को तो पकड़ना नहीं है, अच्छा सेट एस का कोई नंबर मिल रहा है, अच्छा 2 मिल रहा है, हाँ हाँ 2 तो मिल रहा है, अच्छा बात है 2 तो मिल रहा है इसमें, इस ओपन इंटरवल में सेट एस का, ठीक है, अच्छा 3 भी मिल रहा है ना, 4 को छोड़ दीजिए, अच्छा 5 नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, तो एक से अधिक तो 2 नंबर मिल ही गया, 2 और 3 मिल गया, इसका मतलब 4 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, नहीं नहीं बाबू नहीं, नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, दो दो बात बोलते हैं, नहीं दो दो बात नहीं बोलते हैं, बात को समझिएगा, देखिए यहाँ पर मैं बात किया था एवरी नेबरहुड ऑफ 4, अगर 4 लिमिट पॉइंट कहलाना चाह रहा है सेट एस का, तो कोई भी पॉइंट पी, हमको पी 4 से मतलब नहीं, मैं सिर्फ उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे 4 से कोई झगड़ा नहीं है, जो मैं 4 को 4 से 4 को जो है कि नकार रहे हैं, है ना, मैं चलिए हम आर्बिट्री ले लेते हैं, मान लेते पी के लिए, तो पी जो है कि इसका नेबरहुड तब तक नहीं कहलाएगा, सॉरी पी इसका इस सेट एस का लिमिट पॉइंट तब तक नहीं कहलाएगा जब तक उस पी में, पी के नेबरहुड में, पी के प्रत्येक नेबर, देखिए वर्ड को ध्यान रखिए, एवरी नेबरहुड ऑफ पी, प्रत्येक नेबरहुड ऑफ पी मतलब पी के प्रत्येक नेबरहुड में चाहिए बाबू, प्रत्येक नेबरहुड में, एगो में होगा तो जरूरी नहीं कि वो लिमिट पॉइंट हो ही जाएगा, प्रत्येक नेबरहुड में बात किया मैं, प्रत्येक, ये क्या बोल रहे सर, प्रत्येक करके दिखाइए ना, तो आइए देख लीजिए करके, देखिए 4 बिलोंग करता है बात तो सही है, और इसमें जो है कि सेट एस का कम से कम एक से दो नंबर, एक से अधिक मिल रहा है, दो नंबर मिल गया, इसका मतलब 4 इज एलिमेंट पॉइंट ऑफ सेट एस, तो नहीं, क्यों, चलिए एक और नेबरहुड बनाते हैं पी 4 का, अगर 4 का एक और नेबरहुड बना लिया जाए, ऐसा बनाइए ना 4 में से अगर मान लीजिए आप
वन माइनस कर दीजिएगा तो थ्री बन जाएगा, और फोर में एक जोड़ दिया तो फाइव बन जाएगा। तो चलिए फोर में एक माइनस कर देंगे, फोर माइनस एप्सिलॉन से लेकर फोर प्लस एप्सिलॉन, तो फोर में एक माइनस कर देंगे तो थ्री बन जाएगा, और फोर में एक जोड़ देंगे तो फाइव बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका बुद्धि सही डायरेक्शन में आ जाएगा। देखिए फोर मेरा बिलोंग करता है इस सेट थ्री से लेकर के फाइव ओपन इंटरवल में, यानी कि ये जो चीज़ है ये नेबरहुड है फोर का, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये खुद का ही सबसेट है, तो एवरी सबसेट इज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ थ्री और कॉमा फाइव जो सेट है वो फोर का नेबरहुड है। अब जरा समझिए, देखिए थ्री से लेकर के फाइव, मैंने कहा था ना एवरी नेबरहुड ऑफ पी, वर्ड पर गौर कीजिएगा। तो फोर के अलावा इस सेट इस ओपन इंटरवल में क्या सेट एस का कोई नंबर मिल रहा है? देखिए तो जरा, फोर तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फोर के अलावा टू यहाँ पर मिलेगा थ्री से लेकर फाइव में? नहीं मिलेगा। अच्छा थ्री मिलेगा, थ्री तो नहीं है ओपन इंटरवल में, ठीक है वो नहीं होगा, और फाइव भी नहीं होगा क्योंकि वो भी ओपन इंटरवल में एक्सक्लूडेड पार्टी है। तो फोर के अलावा सेट एस का कोई भी फोर के नेबरहुड में मेंबर है, मिल रहा है? मतलब फोर के नेबरहुड में फोर के अलावा सेट एस का कोई भी मेंबर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा सर, नहीं मिल रहा। इसका मतलब फोर का प्रत्येक नेबरहुड में एक नेबरहुड में मिल गया तो क्या हो गया? फोर के प्रत्येक नेबरहुड में सेट एस का है ना नंबर नहीं मिल रहा है ना। फोर के नेबरहुड में, फोर के प्रत्येक नेबरहुड में सेट एस का कम से कम एक मेंबर नहीं मिल रहा है। हो सकता अदर देन फोर है ना, हो सकता है कि कुछ नेबरहुड में फोर के कुछ नेबरहुड में सेट एस का कुछ एलिमेंट मिल जाए, लेकिन प्रत्येक में नहीं मिल रहा है। इसी वजह से फोर इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, इसीलिए मेरा फोर बेचारा नल्ला हो गया है ना। एक चांस मिला था तो अभी मेरा फोर जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं बन पाया सेट एस का। तो याद रखिएगा फाइनाइट सेट टू थ्री फोर फाइव ये फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट सेट। तो याद रखिएगा फाइनाइट सेट का कभी भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, फाइनाइट सेट का कभी भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। समझ गए ना, क्लियर है कंसेप्ट? फाइनाइट सेट का कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यही बात है, क्लियर है कंसेप्ट? तो ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रांसजेंडर का कभी शादी हो सकता है क्या? उसी प्रकार से है ना मेरा जो है कि फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ट्रांसजेंडर का कभी शादी नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार से फाइनाइट सेट का कभी भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, अब मिलता हूँ आप सभी से लेक्चर नंबर 80C में। देखते कंप्लीट हो गया क्या, नहीं तो ठीक है 80C अब नहीं बनाएंगे, ठीक है अब डायरेक्ट हम लोग कूद जाएंगे 80 के बाद क्या आता भाई 81 आता है, तो 81 लेक्चर में हम लोग आपसे मुलाकात होगी हमारी, और वहां पर मैं आपको बताऊंगा लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखना है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि लिमिट पॉइंट को अक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं, अक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं, या लिमिट पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, यह भी मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ उसका डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा है ना, जो एग्जाम में आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा जिससे आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद कुछ थ्योरम भी होगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है इसके बाद फिर आइसोलेटेड पॉइंट होगा, उसके बाद फिर ड्राइव सेट होगा, बहुत सारा है पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार।